Hi guys, welcome and welcome back to my channel. I know I look super happy. I am super happy and welcome to yet another exciting video after 8 months. Yes, after 8 months. I'll tell you why I'm saying 8 months, but later in the video. First of all, welcome and welcome back to my channel. And if you're new here, please take a moment to subscribe to the channel, like to the video if you really enjoy watching this video. And for today's video, I'm back with Nykaa haul, and I realized that it's been 8 months that I did a Nykaa haul. I was totally on making videos on affordable products, trying affordable products, and I always keep on telling you that how affordable products has taken over the market game in few months. Abhi kuch months se कितना ज़्यादा अफोर्डेबल मेकअप ट्रेंडिंग है, कितने सारे न्यू लॉन्चेस हैं. एंड इन मिडिल ऑफ दैट आई जस्ट फॉरगॉट अबाउट परचेजिंग एनीथिंग फ्रॉम नायका. बैक इन द डेज आई यूज टू मेक लॉट ऑफ नायका हॉल, बट बहुत टाइम से आई हैवंट मेक, 8 महीने से आई चेक्ड, 8 मंथ से आई हैवंट मेड अ नायका हॉल. सो दीज आर ऑल द प्रोडक्ट्स दैट आई वॉन्टेड टू बाय फ्रॉम अ रियली रियली लॉन्ग टाइम. दीज वर इन माई विश लिस्ट दैट आई वॉन्ट टू बाय दीज, बट आई वॉज जस्ट सेविंग अप अ बिट. लाइक मैं थोड़ा सा इग्नोर कर रही थी परचेजिंग मेकअप बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ मेकअप दैट आई नीड टू फिनिश अप. मतलब इतना सारा मेकअप हो चुका है ना अब, सो मैं थोड़ा सा इग्नोर कर रही. मतलब आई फील अशीम्ड सेइंग दैट बिकॉज आई जस्ट कीप ऑन बाइंग मेकअप एंड मेकिंग वीडियोज, दैट्स जस्ट पार्ट ऑफ माई जॉब, बट आई वॉज स्टिल इग्नोरिंग बिकॉज नायका पर अगर मैं एक बार शॉपिंग करूँ तो 10-12 हज़ार, 5-7 हज़ार इज मिनिमम फॉर मी. एंड 10-12 हज़ार पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, पता नहीं चलता है. एंड फाइनली आई थॉट कि चलो, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम दैट आई शॉप फ्रॉम नायका, सो लेट्स डू अ हॉल. नॉट फॉर मेकिंग दिस हॉल मैंने ये प्रोडक्ट्स खरीदे हैं. मैं हमेशा बोलती हूँ हॉल्स बनाने के लिए प्रोडक्ट्स कभी मत खरीदा करो. देर आर पीपल हु से कि नायका हॉल वगैरह पर अच्छे व्यूज आते हैं, लेकिन हम इतने महंगे प्रोडक्ट्स कैसे खरीदें. टू आई मेक द हॉल्स व्हेन आई परचेज द प्रोडक्ट्स. हॉल बनाने के लिए मैं कभी भी प्रोडक्ट्स नहीं खरीदती हूँ. सो आई हैव परचेज फ्यू स्टफ फ्रॉम नायका, काफी कुछ खरीदा एक्चुअली मैंने, वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. सो आई होप दैट यू इंजॉय वॉचिंग दिस नायका हॉल जैसे आप मेरे सारे नायका हॉल पहले इंजॉय किया करते थे. 8 महीने बाद बना रही हूँ, सो इसको और भी ज्यादा इंजॉय करोगे. एंड येस, विदाउट फर्दर ड्यू, लेट्स क्विकली गेट इनटू इट. इट इज गोना बी वेरी रैंडम हॉल वीडियो बिकॉज कोई भी ऐसा सीक्वेंस में प्रोडक्ट नहीं है. बहुत ही ज्यादा रैंडम से प्रोडक्ट्स लिए जो मुझे काफी टाइम से, कुछ नए लॉन्चेस भी हैं जो मुझे लगता था यार ये मुझे लेने हैं, बट फाइनली आई बॉट दैम. सो के ब्यूटी के बहुत सारे न्यू लॉन्चेस हुए थे एंड आई वॉज आइंग ऑन ऑल ऑफ देम एक्चुअली के ओके आई विल बाय दीज बिकॉज मैंने के ब्यूटी के ब्लशेज यूज किए, दैट पाउडर ब्लशेज आई लाइक दोज. फाउंडेशन भी मुझे काफी अच्छा लगा. लूज पाउडर इज माई अल्टीमेट फेवरेट, सो आई हैड टू बाय अनदर न्यू लॉन्चेज ऑल्सो. सो आई गॉट दीज 3 न्यू लॉन्च के ब्यूटी के प्रोडक्ट्स मेरे लिए न्यू लॉन्च है. सबसे पहले पाउडर लॉन्च हुआ था बहुत टाइम पहले. आई वॉज थिंकिंग कि इस पर डिस्काउंट आएगा मैं तभी खरीदूंगी, बट आई डिडंट वेंट टू परचेज इट. देन अभी रिसेंटली कंसीलर एंड ये क्रीम ब्लशेज लॉन्च हुए हैं. आई लव क्रीम ब्लशेज, सो आई हैड टू गेट दिस क्रीम ब्लश एंड कंसीलर भी मैंने खरीद लिया. ओके, के ब्यूटी के प्रोडक्ट्स आई थिंक ड्रग स्टोर तो हैं, बट दे आर लिटिल बिट एक्सपेंसिव देन ड्रग स्टोर. 799, 899 दिस इज द प्राइस. एंड ये अच्छे खासे डिस्काउंट्स पर भी नहीं आते हैं, जैसे लॉरियल के प्रोडक्ट्स हैं, शुगर के प्रोडक्ट्स हैं, दे आर बिट एक्सपेंसिव, बट वो अच्छे खासे डिस्काउंट पर आ जाते हैं. ये अच्छे खासे डिस्काउंट पर आते ही नहीं है. चलो ओके, लेट्स स्टार्ट विद द कॉम्पैक्ट पाउडर. आई गॉट इट इन द शेड 100 एंड लाइट बिकॉज आई यूजली यूज लाइटर पाउडर्स. सो दिस इज हाउ द कॉम्पैक्ट पाउडर लुक लाइक. अगेन वेरी क्लासिक पैकेजिंग. हाईलाइटर भी है मेरे पास, वो भी बहुत अच्छा है, आई फॉरगॉट टू टेल यू. सो दिस इज हाईलाइटर और ब्लश जैसी पैकेजिंग है एंड दिस इज हाउ द कॉम्पैक्ट लुक लाइक. आई थिंक ये शेड मुझे अच्छे से चला जाएगा. आई यूज लाइटर शेड्स टू दिस इज सो फाइन एंड सॉफ्ट. आई यूज लाइटर शेड्स टू जस्ट सेट माई अंडर आइज, क्योंकि मैं अंडर आइज वगैरह ही सेट करती हूँ जहाँ कंसीलर लगाती हूँ. खास शेड डार्कर लेती तो बहुत ज्यादा डार्कर नहीं हो जाता, तो मुझे वो डर था. दैट इज वाई वेंट फॉर दिस शेड एंड आई थिंक काम चल जाएगा. लेट्स सी, बट इट वॉज सो फाइन एंड सॉफ्ट. नेक्स्ट अप आई हैव दिस कंसीलर एंड दिस इज इन द शेड 110 Y Light. मेरा फाउंडेशन का शेड है. सो फॉर कंसीलर आई वेंट विथ 100 Y Light. आई थॉट हाईलाइटिंग के लिए परफेक्ट शेड होगा. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. कंसीलर की पैकेजिंग काफी ज्यादा अच्छी है. दिस इज हाउ द एप्लीकेटर लुक लाइक एंड आई थिंक ये शेड परफेक्ट है हाईलाइटिंग के लिए, मेरी स्किन टोन के लिए. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक.
We'll try out these products soon in some of the videos, so stay connected. Definitely मैं नए products खरीदती हूँ तो आपके साथ जरूर किसी video में try on share करती हूँ, so stay connected for that. Next up I have the K Beauty का blush, and बहुत time से I was like कि मुझे खरीदना है because I love cream blushes, तो मैंने shade खरीदा है Flirty Nude. And मुझे ना actually देखने में packaging ही काफ़ी ज़्यादा छोटी लग रही है, I don't know. Okay, it's a very very small tube, मतलब इतू सा है, like मेरी finger से थोड़ा सा बड़ा है. I thought मुझे देखने में लग रहा था कि काफी बड़ा होगा, बट इट इज वेरी वेरी स्मॉल. लेट्स सी हाउ डज द शेड लुक लाइक. इट कम्स इन अ वेरी क्यूट पैकेजिंग, डज नॉट टेक. ओके, इट हैज अ वेरी मूसी टेक्सचर, इट डजंट हैव अ क्रीमी टेक्सचर, इट हैज अ वेरी मूसी टेक्सचर, एंड दिस इज हाउ द शेड लुक्स लाइक. इट्स अ वेरी लाइट पिंकी पीची कॉरली शेड, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. आई होप दैट यू कैन सी, इट्स अ वेरी नाइस लाइट शेड, एंड बहुत ही ज्यादा पिगमेंटेड और क्रीमी है ये ब्लशेज, एंड इट स्प्रेड्स ऑन सो ब्यूटिफुली ऑन माई हैंड. I'm super excited to try this blush on my face. It looks so tempting. I love cream blushes and its ka formula wagera bahut hi zyada unique aur amazing sa lag raha hai. Super excited to try this. All right, Elf pe sale chal rahi thi. Elf par buy 2 get 1 wali sale thi, so you can add any 3 products to your cart and ek aapko free mil jayega. So I went ahead to buy 3 products. Sabse pehle I got this setting spray. This is how it looks like. So basically isme 2 variant aate hain, ek matte wala aur ek normal wala. So I went ahead for this one. काफी अच्छी क्लासिक ब्लैक पैकेजिंग है इसकी, एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. आई एम जस्ट गोना चेक द स्प्रे के स्प्रे कैसा है. सो ओके, इट हैज अ वेरी नाइस स्प्रे जो बहुत ही अच्छे से प्रोडक्ट को स्प्रेड कर रहा है. आई डोंट लाइक कि ना अगर सेटिंग स्प्रे का स्प्रे अच्छा ना हो, आई डोंट नो हाउ दिस परफॉर्म्स, कैसा वर्क करता है, कैसा क्या है वो आई डोंट नो बिकॉज आई हैवंट यूज्ड इट येट. दिस इज द फर्स्ट प्रोडक्ट दैट आई गॉट. देन द हाइड्रेटिंग कैमो कंसीलर, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. नाउ एक और कंसीलर आता है, दिस इज मैंने वो निकाल के रखा है एक्चुअली, 16 hours कैमो कंसीलर, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. ये ना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा. आई जस्ट फील लाइक जैसे ही मैं इसको अप्लाई करती हूँ ये बिल्कुल ड्राई हो जाता है, ये ब्लेंड नहीं होता है, इट मेक्स माई अंडर आई वेरी वेरी पैची. आई डोंट लाइक दिस कंसीलर एट ऑल. आई थिंक इट वुड बी ग्रेट फॉर समवन हु हैव वेरी ऑयली, एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली ऑयली स्किन, बट दिस डजंट वर्क फॉर मी एट ऑल. मैंने इसको काफी सारे तरीकों से यूज करके देखा है, एंड आपको काफी सारी वीडियोज में दिखाया भी है दैट हाउ दिस मेक्स माई मेकअप पैची. आई जस्ट डोंट लाइक दिस कंसीलर, बट आई एम गोना ट्राई एंड यू नो फिगर आउट अ वे जिससे मैं इसको यूज कर सकूं, बिकॉज आई डोंट लाइक टू वेस्ट प्रोडक्ट्स. लेकिन आई गॉट दिस कंसीलर, आई हैव हर्ड सच ग्रेट रिव्यूज अबाउट दिस, एंड दिस इज हाइड्रेटिंग कंसीलर, एंड जस्ट सो अट्रैक्टेड. आई डोंट नो हाउ टू ऑल द थिंग्स विच इज हाइड्रेटिंग एंड मॉइस्चराइजिंग टू स्किन बिकॉज आई हैव सच अ ड्राई स्किन. तो ये हाइड्रेटिंग कंसीलर है, एंड अगेन आई हैव हर्ड ग्रेट रिव्यूज के बहुत ही अच्छे से यू नो कवरेज प्रोवाइड करता है, एंड इट लुक्स सो फ्रेश एंड नाइस. सो आई रियली वॉन्टेड टू ट्राई दिस आउट, एंड सेल में मिल रहा था, सो आई वेंट अहेड टू परचेज दिस. नाउ आई हैड टू बाय 3 प्रोडक्ट्स. तो जो मैंने 2 प्रोडक्ट्स लिए थे दे वर नियर 590 समथिंग के, सो आई वेंट अहेड टू परचेज दिस स्पंज. दिस वॉज ऑल्सो ऑफ सेम प्राइस, सो जिससे मुझे कोई भी नुकसान ना हो. यू नो 590 अगर आप जो भी यू नो चीपेस्ट होगा वो उसको फ्री कर देते हैं. सो आई हैड टू बाय समथिंग जो ऐसे सेम प्राइस का हो जिससे मुझे नुकसान बिल्कुल भी ना हो, एक्चुअली फायदा हो जाए. सो आई वेंट अहेड टू परचेज दिस स्पंज. नाउ आई हैव यूज द एल्फ का केमो कंसीलर स्पंज, उससे भी एक्चुअली इसको मैंने ब्लेंड करके देखा है, बट कोई ऐसा यू नो इट जस्ट मेक्स माई मेकअप ड्राई. इन वो स्पंज बहुत ज्यादा अच्छा है, आई रियली लाइक दैट कैमो कंसीलर स्पंज. उसको मैं टिंट वगैरह ब्लेंड करने के लिए यूज करती हूँ तो वो पूरा रेड सा हो चुका है. थॉट कि वो इतना अच्छा है तो ये भी बहुत ज्यादा अच्छा होगा, सो आई वेंट अहेड टू परचेज दिस. मुझे कलर वगैरह भी शेप वगैरह भी इसका अच्छा लगा एक्चुअली. दैट इज ओह माय गॉड, दिस इज सो सॉफ्ट, बिना डैम्प किए कि इतना ज्यादा सॉफ्ट है. आई रियली लाइक द शेप एंड एवरीथिंग. वो काफी ज्यादा छोटा है, इट एक्चुअली टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू ब्लेंड योर फाउंडेशन एंड एवरीथिंग. कंसीलर के लिए क्रीम यू नो ब्लश के लिए वो अच्छा है, बट फाउंडेशन के लिए इट इज टू स्मॉल. सो आई थॉट कि ये काफी अच्छी क्वालिटी का होगा, एंड दिस इज बिना डैम्प किए इतना ज्यादा सॉफ्ट है और स्क्विशी है. आई थिंक डैम्प करने के बाद इट विल वर्क ग्रेट. सो आई एम सो हैप्पी दैट आई बॉट दिस. आई लव स्पंजेस, आई डोंट नो, मेरे पास बहुत सारे स्पंजेस हैं, एंड आई लव ट्राइंग न्यू स्पंजेस. अभी मैंने एक नया मार्स का भी स्पंज खरीदा है विच आई विल डेफिनेटली रिव्यू. अभी मार्स में वो जो नया इसी शेप का है, बट द कलर इज डिफरेंट. आई विल शो यू इन सम अदर वीडियो व्हेन आई ट्राई इट विद यू.
Okay, so these were the three products that I got from e.l.f. Then I got this L'Oreal ki sunscreen. I don't know that L'Oreal has sunscreen and nobody talks about it because L'Oreal is really aggressive with their marketing. And is product ki koi marketing hi nahi hui hai, nobody talks about it. And even I didn't knew that L'Oreal has a sunscreen. But mujhe dikh gayi, so I went ahead to purchase it. Isme kaafi sari variants the for, you know, oily skin ke liye matte wala variant tha, for dry skin hydrating tha, for brightening ye niacinamide wala. So I went ahead with niacinamide because you know how much I love niacinamide as ingredient. So I went ahead with this one. Now this is the L'Oreal Paris UV Defender Sunscreen SPF 50 PA +++++ and this is bright and clear sunscreen, no residue, no shine and non-sticky. This is how it looks like. सबसे पहले आई वॉज रियली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पैकेजिंग. आई रियली लव हाउ क्यूट द पैकेजिंग इज एंड दिस इज हाउ द आई डोंट नो वेयर टू ओके हेयर आई एम गोना ट्राई इट. बहुत ही कम क्वान्टिटी मैंने ली है. आई जस्ट वॉन्ट टू सी कि कोई वाइट कास्ट देती है या नहीं. आई एम जस्ट गोना क्विकली ब्लेंड इट. ओके दिस इज हाउ इट लुक्स. आई थिंक बहुत ही हल्का हल्का वाइट कास्ट है बट सनस्क्रीन टेक्स टाइम टू सेटल डाउन. एक बार सेटल हो जाएगी सो आई डोंट थिंक वाइट कास्ट देगी. बट द फॉर्मूला वॉज वेरी क्रीमी एंड मॉइस्चराइजिंग एंड बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो गई. आई थिंक इट्स नाइस. पर इसमें काफ़ी अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस है. इट इज़ नॉट अ फ्रेगनेंस फ्री प्रोडक्ट. आई यूजली डोंट लाइक फ्रेगनेंसेज इन माई स्किन केयर बट काफी अच्छी सूदिंग सी फ्रेगनेंस है. इट वॉन्ट इरिटेट यू सो येस ओके. आई डेफिनेटली ट्राई इट एंड देन आई लेट यू नो दैट हाउ इट वर्क्स ऑन माई स्किन. ओके वन मोर प्रोडक्ट आई गॉट फ्रॉम के ब्यूटी इज दिस के ब्यूटी कॉन्ट्रोल स्टिक. आई नो कि बहुत ही ज्यादा पुराना प्रोडक्ट है. दिस इज नॉट अ न्यू लॉन्च. आई डोंट नो मैं उस टाइम पे के ब्यूटी के प्रोडक्ट्स के साथ कैसे दिखाना भूल गई बट ठीक है अभी वीडियो खत्म भी हुआ है. सो आई गॉट दिस स्टिक बिकॉज दीज डेज आई एम लविंग क्रीम प्रोडक्ट्स, क्रीम कॉन्ट्रोल, क्रीम ब्लश, सब कुछ मुझे क्रीम काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है. बेसिकली आई वॉज सर्चिंग फॉर गुड क्रीम कॉन्टोर्स बिकॉज आई एम लविंग क्रीम प्रोडक्ट्स. तो मैंने सोचा कोई अच्छा सा क्रीम कॉन्टोर मिल जाए. आई हैव द शुगर का क्रीम कॉन्टोर बट व्हाइल आई वाज सर्चिंग आई रियलाइज्ड कि बहुत ही कम क्रीम कॉन्टोर्स या क्रीम ब्रॉन्जर्स अवेलेबल है मार्केट में. एंड देन आई सॉ दिस के ब्यूटी का स्टिक. मुझे पता है मार्केट में बहुत टाइम से अवेलेबल है. आई गॉट इट इन द शेड कैरेमल फोकस. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक एंड आई एम गोना जस्ट स्वैच इट राइट हियर. ओके आई थिंक दैट दिस इज गोना बी अ परफेक्ट शेड फॉर माय स्किन टोन. इट इज वेरी वेरी क्रीमी. लेट मी टेल यू व्हेन आई स्वैच्ड इट आई फेल्ट लाइक दैट दिस इज क्रीमी. सो आई थॉट कि ओके जस्ट लेट मी ट्राई दिस वन एंड आई डेफिनेटली इन सम वीडियो ट्राई इट ऑन माई फेस एंड देन आई लेट यू नो हाउ इट वर्क्स. नेक्स्ट अप आई गॉट दिस लिपस्टिक. बहुत ही पुरानी बहुत ही फेमस लिपस्टिक है. दिस इज द कलाबार का किस प्रूफ लिप सैटिन एंड दिस इज इन द शेड हॉट लाटे एंड बहुत ही फेमस शेड है. इट इज फॉर 950 रुपीज बट आई गॉट इट ऑन डिस्काउंट तो इतनी एक्सपेंसिव नहीं मिली थी. दिस इज हाउ द पैकेजिंग लुक लाइक. ये बहुत ही फेमस न्यूड शेड है एंड काफी टाइम से आई वॉज आईंग ऑन दिस एंड आई वॉन्टेड टू ट्राई दिस. इट कम्स विद एप्लीकेटर लाइक दिस. आई थिंक इस टाइप के एप्लीकेटर्स से एप्लीकेशन काफी ज्यादा ईजी हो जाता है. सो आई एम जस्ट गोना स्वैच इट. ओके इट्स सच अ नाइस पीची ब्राउन ब्यूटिफुल शेड. These are the kind of shades that I am loving these days. But I am super excited. It's a liquid lipstick. I definitely know that this is gonna be really, really long lasting. But dude, the shade is so beautiful. I think that this will look amazing on medium to dusky skin tone also. Bahut hi pretty shade hai. I'm so happy that I got this. Okay, next up I got these Nykaa eyeshadow quads. Ye are newly launched and I got two shades. I got the shade Night Out 01. This is how it looks like. And then I got the shade Brunch Party. And this is how it looks like. It's more of a mauvey pinky tone shades. And these are more on the nude, you know, glam type of, smoky glam type of shades. I'm thinking to do a dedicated video and review these palettes. Do let me know down below if you would like to see such a video. Okay, I'll review these palettes, the swatches and everything. And I'll create a look out of these. And then I'll let you know that these palettes are worth it or not. I think these are for $499 or $399. I'm not sure of the exact prices. But do let me know down below. Below if you would like to see the review of these. I'm super excited to try this one. So for sure I think inka main ek alag se separate video review zarur banaungi. So isko hum uske liye rakh dete hain. Next up I got the Face Shop ka Rice and Ceramide face moisturizer. This is how it looks like. I haven't tried this moisturizer yet but rice is a great brightening ingredient and ceramides help in making your skin barrier stronger and this is a thick cream based moisturizer and my skin type is dry. So I love thick cream based मॉइस्चराइजर्स जो मेरी स्किन को अच्छे से हाइड्रेट और डीपली मॉइस्चराइज कर दें. सो आई वॉन्टेड टू ट्राई दिस आउट. इट लुक्स सो नाइस.
एंड इसकी खुशबू भी बहुत ज्यादा सूदिंग और लाइट लाइट सी है. एंड आई लव द प्रोडक्ट्स फ्रॉम फेस शॉप. मैंने अभी तक जितने भी प्रोडक्ट्स ट्राई किए हैं आई एब्सोल्युटली लव देम. ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड में है, येस डेफिनेटली एक्सपेंसिव है, लेकिन आई रियली वॉन्टेड टू ट्राई दिस मॉइस्चराइजर. आई होप कि ये अच्छे से मेरे फेस को मॉइस्चराइज करे विदाउट मेकिंग इट हैवी और ग्रीसी. नेक्स्ट अप आई गॉट द वेरी फेमस एसेंस का ब्राउ मस्कारा. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक एंड ये बहुत ही ज्यादा फेमस प्रोडक्ट है. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. आई ऑलरेडी हैव द एल्फ का ब्राउ मस्कारा. I absolutely loved it. I really wanted to try this mascara also. So I'll definitely try and then I'll let you know. But मुझे अगेन ये बहुत टाइम से खरीदना था. It is mostly out of stock everywhere. मैंने Myntra पे कई बार चेक किया. It is always out of stock. But I think now this is available on Nykaa also and Myntra also. तो आप जरूर चेक करना. मतलब मुझे काफी ज्यादा tempting लगता है and मैंने काफी लोगों को try करते हुए और तारीफ करते हुए सुना है. So I really wanted to get my hands on these. And it is quite affordable. बहुत ही कम प्राइस है इसका. आई बिलीव इस पे अगेन आई थिंक प्राइस नहीं लिखा हुआ है. इट इज़ फॉर 320 रुपीज. क्वाइट अफोर्डेबल. एल्फ का काफ़ी आई थिंक 499 समथिंग का आता है. बट दिस इज समथिंग एसेंस के प्रोडक्ट्स ना बहुत अफोर्डेबल हैं, बहुत अच्छे हैं. बस थोड़ा सा ढूंढने में लाइक यू नो हर जगह हमेशा अवेलेबल नहीं रहते हैं. दे आर ऑलमोस्ट आउट ऑफ स्टॉक एवरी टाइम. बट द प्रोडक्ट्स जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने ट्राई किए हैं आर अमेजिंग. आई स्टिल वॉन्ट टू ट्राई देयर ब्राइटनिंग कॉम्पैक्ट पाउडर जो हमेशा हर जगह आउट ऑफ स्टॉक रहता है. आई ट्राई दैट सून. आई हैव ट्राइड द मस्कारा. आई एब्सोल्युटली लव्ड इट. नाउ आई एम गोना ट्राई दिस एंड देन आई लेट यू नो हाउ इट वर्क्स. फाइनली वी हैव ऑर्डिनरी इन इंडिया एंड आई गॉट द ऑर्डिनरी का नाइसिनमाइड सिरम. यू नो माई लव फॉर नाइसिनमाइड. आई लव द ब्राइटनिंग रिजल्ट इट गिव टू माई स्किन एंड ऑल्सो मेरी स्किन पे. लाइक कुछ लोगों की स्किन पे कुछ इंग्रीडियंट्स बहुत अच्छे से सूट करते हैं. मेरी स्किन पे ग्लाइकोलिक एसिड और नाइसिनमाइड दोनों बहुत अच्छे से सूट करते हैं एंड आई वॉन्टेड इट. एंड नाउ दैट ऑर्डिनरी इज अवेलेबल इन इंडिया सो वाई नॉट. तो आई ऑर्डर दिस नाइसिनमाइड सिरम. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. दिस हैज 10% नाइसिनमाइड एंड जिंक. This is how the bottle looks like. I haven't applied it on my face yet, but this is how it looks like. It's a bit sticky. It looks like it's a bit sticky. अभी तक मैंने use नहीं किया है, so I cannot tell you. But I'm excited to see the results and how it works on my skin. I'll definitely start using it super soon, and in some time I'll let you know the review of this and how it works on my skin. Last up, I got a perfume, and literally it was a very dicey situation for me कि मैं ये खरीदूँ या नहीं, because online perfume वगैरह खरीदना काफी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. You never know कि कितनी बुरी फ्रेग्रेंस आ सकती है आपके पास. बट आई गॉट दिस बॉडी क्यूपिड का परफ्यूम. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. आई एम जस्ट गोना शो द पैकेजिंग जस्ट बिकॉज एट द एंड आई फेल्ट लाइक कि परफ्यूम भी अच्छा नहीं हुआ तो पैकेजिंग अच्छी होगी. इट विल जस्ट इनहेंस माई कलेक्शन. दिस इज हाउ द पैकेजिंग लुक. इसको बाहर निकालती है इसकी खुशबू. दिस इज हाउ द पैकेजिंग लुक्स लाइक. आई वॉज सुपर एक्साइटेड. मैं इसको ऑलरेडी यूज कर चुकी हूँ एंड दिस लुक्स सुपर ब्यूटिफुल. लेकिन इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत ज़्यादा अच्छी है. इट हैज़ दैट एक्वा वेवी टाइप की फ्रेग्रेंस एंड इस पर लिखा भी हुआ है एक्चुअली एक्वा वेव. इट हैज़ दैट वेरी नाइस, बहुत ही यूनिक सी फ्रेग्रेंस है इसकी. इट्स नॉट वेरी फ्लोरल बट इट्स नॉट वेरी हार्ड. यू नो आई डोंट लाइक वेरी हार्ड फ्रेग्रेंसेज. बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं पसंद बट हाँ अच्छी खासी हार्ड फ्रेग्रेंसेज पसंद है मुझे. एंड आई लव परफ्यूम जो मैन एंड वुमेन दोनों होते हैं. दिस इज आई थिंक मैन एंड वुमेन बोथ. एंड जो ज़्यादा वुमेन वुमेन वाले परफ्यूम होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा फ्लोरल, बहुत एक्सट्रीमली स्वीट स्वीट से होते हैं जो मुझे नहीं पसंद. आई लव मेन्स परफ्यूम ऑल्सो लेकिन ये दोनों ही के लिए आई थिंक मैन एंड वुमेन बोथ है. एंड इसकी खुशबू बहुत ज्यादा यूनिक और अच्छी है. एब्सोल्युटली लव दिस. आई एम सुपर हैप्पी दैट आई गॉट दिस. एंड ये काफी ज्यादा महंगा भी नहीं था. ओके द प्राइस ऑफ इट इज 899 रुपीज बट आई थिंक काफी अच्छे खासे डिस्काउंट पर अवेलेबल था. द पैकेजिंग इज सो अमेजिंग. ये जो ऐसा ब्लू कलर का रिफ्लेक्शन आ रहा है ना बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है देखने में. द एंटायर प्रोडक्ट एक्सपीरियंस वॉज सो अमेजिंग क्योंकि देखने में भी अच्छा है एंड खुशबू भी बहुत ज्यादा अच्छी है. एंड विद दिस गोल्डन कैप इट लुक्स मोर ब्यूटिफुल. तो बॉटल भी अच्छी है, खुशबू भी अच्छी है. आई एम सुपर हैप्पी दैट आई गॉट दिस. ऑलरेडी माई पीपल विद दैट वी कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो. दैट वॉज आर लास्ट प्रोडक्ट एंड विद दैट वी आर डन विद नायका हॉल. दीज आर ऑल द प्रोडक्ट्स दैट आई purchased from Nykaa and that's it. I hope that you enjoyed watching this video. If you did, you know the drill. Please make sure that you like to the video, subscribe to the channel, and I'll see you next time in my next one. Till then, stay safe, stay happy. Bye bye.